नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। हुंकार मीडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज मौका है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूनम पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका सभी पत्रकार बंधु स्वागत करते हैं। थैंक यू। आज आप जो हैं वार्ड नंबर 184 के अंदर मौजूद हैं, जैतपुर के अंदर, और आज मौका है MCD यानी छोटी सरकार दिल्ली में चुनने का। तो आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के नाते, जी वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस की, MCD चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीतियां चल रही हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर? देखिए, कांग्रेस चाहे चुनाव MCD का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो देश का हो, कांग्रेस कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाती। रणनीति खेल नीति ये लोग बनाते हैं, हम लोग जनता की सेवा की नीति बनाते हैं। तो हम लोगों ने जनता की सेवा के लिए सेवा नीति बनाई है। जो MCD इलेक्शन है उसके जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये अभी 8 साल से सरकार है यहाँ पर दिल्ली, इनको सौंपा हुआ है, और 22 साल से तकरीबन BJP की सरकार है MCD में, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जनता को दिल्ली की स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाए हैं, कूड़े के ढेर तक नहीं हटा पाए हैं, सड़कें नहीं बना पाए हैं, गलियों को साफ़ नहीं करवा पाए हैं। यहाँ पर रहने वाले मौजूद लोग, गाँव के लोग जो हमारे रहते हैं यहाँ पर वार्ड में, वो अपने घर की नालियां खुद साफ़ करके कूड़ा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसको उठवाने का काम भी इन लोगों ने नहीं किया है। तो हमने उन्हीं के लिए इस नीति को बनाया कि हम साफ़ सफाई, गली मोहल्ले, ये हमारी जनता की जो नीति है, जनता की जो सेवा नीति है, वो क्या है, वो यही कहती है ना। ये लोग पूरे देश में रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो सेवा नीति कर रहे हैं। एक जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इस समय, क्या MCD के जो दिल्ली प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं इस पर कुछ असर नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पत्रकार महोदय, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा है, ना कि वोट जोड़ो बटोरो यात्रा है, ये आपको समझना होगा। अभी आप आज़ाद भारत के पत्रकार हैं, तो क्या आप नहीं भारत जोड़ो को सपोर्ट करेंगे? भारत जोड़ने की जहां बात आएगी, आप जोड़ने को सपोर्ट करेंगे या तोड़ने को? मुझे जवाब दीजिए आप ऑन कैमरा। हाँ, भारत जोड़ना जो है ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबको साथ देना चाहिए तो था, लेकिन इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। लेकिन किसने दिया राजनीति रंग? ये राजनीतिक रंग राजनेता ही दे सकते हैं कि राजनीतिक रंग कौन, जो दिया रंग, जो कांग्रेस के विपक्ष में जो रहते हैं। कांग्रेस के विपक्ष में जो रहते हैं, ये बात आपको समझनी होगी कि जो व्यक्ति पूरे देश में जोड़ने की बात कर रहा हो, और इतनी तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी करती है, कि भारत जोड़ो को भी ये कहती है कि ये राजनीति है। क्या आपने अब तक 2000 किलोमीटर तक यात्रा चल चुकी है, आपने एक भी पोस्टर ऐसा देखा कि कांग्रेस जोड़ो या वोट बटोरो? नहीं ना, वो पूरा का पूरा आप सभी को डिटेल पता है कि भारत जोड़ो है। मुझे नहीं लगता कि जो देश के हित में व्यक्ति होगा, जो इस देश का भला चाहेगा, क्या वो व्यक्ति ये कहेगा कि भारत को मत जोड़ो? क्या आप ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो, या आप ये चाहते हैं कि भारत तोड़ो? आप अपना मुझे वक्तव्य बताइएगा पत्रकार महोदय, पत्रकारिता से अलग हट करके। नहीं, जिस तरह से 2024 मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है, क्या आप भारत जोड़ो के समर्थन में या तोड़ोगे? भारत जोड़ो के समर्थन में हर भारतीय को खड़ा होना होगा, होगा ना? अगर वो 2024 को नजर में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो किस तरह से अनुचित, कैसे आपको लग रहा है इसे अनुचित ठहराया जाएगा? लग रहा होगा क्यों, देश में कितनी ज्यादा इन्होंने धर्मवाद, जातवाद, ये सब चीजें इन्होंने फैलाई। तो एक जख्मों पर मरहम लगाना, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जब वो देश को आज़ाद करा करके 1947 में गए थे, वो सभी को सौंप करके देश गए थे, और इस देश की आज़ादी की मिट्टी में ना हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय की खून की खुशबू आती है, ये आपको समझना होगा क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।